Hello students, today we will discuss about the image formation by a silvered lens. अगर कोई lens है उसके one surface को silver कर दिया जाए then how image is formed by it. जैसा कि हम देख रहे हैं double convex lens है, इसके one portion को सिल्वर कर दिया तो इससे जो इमेज फॉर्मेशन होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है देन दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, फिर यहाँ से प्लेन मिरर है, ये मिरर से रिफ्रैक्शन होगा एंड फाइनली अगेन दिस रे is refracted back and image is formed at the point I. इसके अंदर के mechanism को अगर हम देखें then we can split it into three stages. In first stage a lens, double convex lens, this one is object, incident ray OA, refracted ray AB and then again refracted ray and image is formed at the point I1. In second stage light refracted with the help of spherical mirror I1 acts as a virtual object for this mirror and the mirror reflected back the light at the point I2. राइट यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए बी रिफ्रैक्टेड रे है तो हम ले सकते हैं यहाँ ए बी आई वन चूँकि यहाँ पर क्या है सिल्वर्ड सरफेस है सो लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट सो I1 इज टेकन एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज फॉर्म एट द पॉइंट I2. अगेन in front of mirror lens is situated so again it is refracted by the lens I2 is the virtual object for this surface or lens surface so this is the virtual and this one is refracted ray. The ray of light again refracted by this surface so final image is formed I this way. ठीक है हमने silver mirror को देखा और इसके mechanism को देखा how it can be image form by it. अब इसके focal length या power कैसे हम निकालेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं when the lenses are in contact or lens or mirrors are in contact then equivalent power is equals to power of this lens surface PL plus power of mirror and then again power of lens. यहाँ three stage में है lens, mirror, फिर lens. So power of lens plus power of mirror and power of lens again. If both the surfaces are symmetrical then
PL plus PL twice PL and plus PM. ये तो पावर के लिए फॉर्मूला है. अगर हम फोकस फोकल लेंथ निकालें तो PL पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू और PL को लिखते हैं हम लोग वन अपॉन एफ एल. सो म्यू माइनस वन वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर टू. इफ आर वन एंड आर टू आर इक्वल देन आर वन इज टेकन आर एंड आर टू इज इक्वल्स टू माइनस आर. राइट. वन सरफेस इज अपोजिट टू द अदर सरफेस. सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज पॉजिटिव देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अदर पोर्सन इज नेगेटिव. सो वन अपॉन एफ एल वन अपॉन एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर माइनस माइनस प्लस वन अपॉन आर. सो वन अपॉन एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू टू अपॉन आर. यहाँ से हम लोग एफ एल निकाल लेंगे. राइट. एफ एम एफ एम इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन पी एम सॉरी पी एम इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एफ एम. राइट. एंड पी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एफ. सो वी कैन राइट हियर वन अपॉन माइनस एफ इज इक्वल्स टू टू वन अपॉन एफ एल माइनस वन अपॉन एफ एम. दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर सिल्वर्ड लेंस. राइट. इसके अदर केसेस भी होते हैं. केस फर्स्ट इफ द वन सरफेस ऑफ द लेंस इज प्लेन दिस लेंस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वैक्स लेंस एंड द प्लेन सरफेस इज सिल्वर देन हाउ विल यू फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर. जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लेंस का एक सरफेस क्या है प्लेन है और मिरर का भी सरफेस प्लेन है. तो वन अपॉन एफ एल इज इक्वल्स टू फार्मूला आता है वन माइनस म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस इज इन्फिनिटी. सो आर वन इज टेकन आर बट आर टू इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो वन अपॉन एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन एंड अपॉन आर. यहाँ से एफ एल निकल गया. दूसरी तरफ एफ एम वन अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू वन अपॉन इन्फिनिटी दैट इज जीरो. सो नेट फोकल लेंथ वन अपॉन माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू टू अपॉन एफ एल माइनस वन अपॉन एफ एम. माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू टू वन अपॉन एफ एल. यहाँ से एफ एल हम निकाल लेंगे आर बाय म्यू म्यू माइनस वन. सो आर और ये हो जाएगा म्यू माइनस वन. सो हैंस एफ नेट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन. राइट. यहाँ से हमने फोकल लेंथ निकाल लिया और इसी से पावर निकल जाएगा. एक सेकेंड केस केस नंबर सेकेंड. हाउ इमेज इज फॉर्म
when the first surface is plane, first surface is plane and other surface is convex, and the convex surface is silver. यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर R1 जो है वो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. R1 इन्फिनिटी हो गया तो 1 अपॉन FL इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 को इन्फिनिटी लेंगे और R2 को माइनस R लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R और ये हो जाएगा 1 अपॉन FL इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन क्या R. सो FL इज इक्वल्स टू R अपॉन म्यू माइनस 1. अब दूसरी तरफ देखते हैं, फॉर मिरर 1 अपॉन FM इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R बाय 2, राइट. सो 1 अपॉन FM इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय R और FM इज इक्वल्स टू माइनस R बाय 2, राइट. फ्रॉम द फॉर्मूला 1 अपॉन माइनस F इज इक्वल्स टू 2 अपॉन FL माइनस 1 अपॉन FM, राइट. माइनस 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 2 अपॉन FL की वैल्यू रखेंगे R और म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 बाय R, राइट. सो फाइनल फोकल लेंथ 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू, इसमें 2 बाय R कॉमन ले लेंगे हम लोग, म्यू माइनस 1 प्लस 1 एंड 1 से 1 कैंसिल. सो माइनस 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू अपॉन R और F इज इक्वल्स टू R माइनस R अपॉन 2 म्यू, राइट. इन तीन केसेस में, थ्री केसेस जो हमने देखे, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी पोर्शन को सिल्वर करके, और हम इस तरीके से इसको आसानी से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, फॉर एनी प्रॉब्लम कमेंट बिलो एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल.